टिकटॉक 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 बात करें अगर टिकटॉक की, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में इसको बैन होने से पहले इतना नहीं जानते थे जितना इसको बैन होने के बाद में लोगों ने फेमस कर दिया। यूसी ब्राउजर टिकटॉक जैसी 59 चाइनीज एप्लीकेशन जो बैन हुई है, उनमें इन्हीं एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जा रहा था। तो आप खुद देख लीजिए इंडिया में कितना बड़ा मार्केट ये लेकर बैठी थी। टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के बैन होने के बाद में लगभग सभी भारतीय खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक इसका इंतजार कर रहे हैं कि वापस आएगी आएगी आएगी, एक उम्मीद लगा के बैठे कि भाई टिकटॉक मेरी वापस आएगी। और आखिर क्यों भूल नहीं पा रहे, उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि क्या करते हैं, जैसे ही भूलने की कोशिश करते हैं वैसे उनको कोई न्यूज़ मिल जाती है कि टिकटॉक वापस आएगी। यूट्यूब पर देख लो, टिकटॉक कल आ रही है, टिकटॉक परसों आ रही है, क्या टिकटॉक वापस आएगी, इतने सारे वीडियो भरे हुए हैं कि टिकटॉक आएगी, तो उनके दिमाग में वो जैसे करना होता है उससे पहले ही आ जाता है। वो एक मूवी थी ना करण अर्जुन वाली, जिसमें वो बोलती है मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, बस उसी तरह से वो भी सोचते हैं कि भाई टिकटॉक मेरा वापस आएगा, तो इस वजह से ये भूल नहीं पा रहे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या टिकटॉक वापस आ रहा है, जिन एप्लीकेशन पर डेटा लीक होने के कारण बैन लगा था, क्या वो बैन हट जाएगा, डिटेल में बात करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखे, पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और टेक्निकल टॉक्स फैमिली का हिस्सा नहीं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दे, घंटी का निशान है वो जरूर दबा दे, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आप तक मिलते रहे। दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सरकार ने जब इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था तो ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये सभी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं भारतीय यूजर्स का डेटा लीक कर रही है, डेटा चुरा रही है, और ये सारा डेटा चाइना को जा रहा है। लेकिन सरकार ने बाद में इन सभी एप्लीकेशन को 22 जुलाई तक का टाइम दिया था और 79 क्वेश्चंस पूछे थे। क्वेश्चन इस तरह के थे कि भाई आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, जो आपका डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है वो कौन से सर्वर पे जा रहा है, क्या वो सेफ है। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल थे, 79 क्वेश्चंस थे जो सरकार ने भी पूछे थे, और 22 जुलाई उसकी लास्ट डेट थी। तो जब से 22 तारीख गई है तब से ही मैसेज आ रहे हैं सामने, वीडियोस आ रहे हैं कि टिकटॉक वापस आ रहा है, क्या टिकटॉक वापस आ रहा है, आज रात से आ रहा है, कल रात से आ रहा है, इस तरह के मैसेज सामने आ रहे हैं। और एक बात तो दोस्तों क्लियर है कि जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है वो इंडियन यूजर्स का डेटा चुरा रही थी, हमारी फोटोज़ वीडियोज़ कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हमारा डेटा होता है वो सब इनको परमिशन दी हुई होती है तो ये एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो यूज़ किया, और डार्क वेब पे ऐसी काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पर ये डेटा सेल भी हुआ है। तो इसीलिए सरकार ने क्वेश्चंस पूछे, अब उनकी जांच होगी, उनका जवाब आया, जवाब देने की लास्ट डेट थी वो 22 जुलाई थी। और 22 जुलाई जैसे ही गई वैसे ही लोगों ने फेक मैसेज बनाना शुरू कर दिया, वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और बता दिया कि एप्लीकेशन आज वापस आ रही है, कल वापस आ रही है। लेकिन इतना जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अभी पूरी जाँच होगी, उसके बाद में सरकार डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्या परमानेंटली बैन करना है। अगर इनके सवालों का जवाब सही नहीं हुआ, अगर इनको लगा थोड़ा भी, तो हो सकता है परमानेंटली भी बैन हो जाए। और चाइनीज एप्लीकेशन का वैसे भी भरोसा नहीं है, चाइना के प्रोडक्ट हो या चाइनीज एप्लीकेशन हो, सभी अभी बायकॉट कर रहे हैं, बायकॉट चाइना का पूरा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। और हम सभी को भी चाहिए कि इनका जो अल्टरनेटिव ऑलरेडी आ चुका है इंडिया में, इतनी सारी एप्लीकेशन है तो वो यूज करें, स्वदेशी एप्लीकेशन को यूज करें, ऑलरेडी काफी ज्यादा एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी है। लेकिन एक चीज भी ध्यान रख लीजिए कि स्वदेशी के नाम पर ऐसा नहीं हो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर ले, वो भी आप पहले रिव्यूज देखें, उसका देखें कि किस तरह से ऐसा नहीं हो कि वहां भी आपका डेटा लीक होने के चांसेस, तो वो चीज आप पहले अच्छे से रिव्यूज देके उसके बाद में वो एप्लीकेशन यूज करें। तो दोस्तों टिकटॉक के अभी वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, उन सभी टिकटॉकर्स तक पहुंचाना है जो इसके आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी के निशान को जरूर दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।